अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों रियलमी का एक फोन रियलमी एक्स टू इंडिया के अंदर भी लॉन्च हो चुका है, ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी तक नहीं आया है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये कब तक आ सकता है और यहाँ इसकी प्राइस क्या होगी जब ये पाकिस्तान के अंदर आएगा, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी, इसके कौन कौन से वेरियंट्स ये आएंगे। तो आज फुल वीडियो के अंदर आपको फुल डिटेल से बता दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं बगैर टाइम को ज़ाय किए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आगे लाल कलर सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसे दबा दें, क्योंकि वो दबाना लाजम है आपके लिए। उसके साथ एक छोटी सी बेल आइकन का ऑप्शन घंटी का बटन शो हो जाएगा, जब आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे उसे भी दबा दें, क्योंकि अगर आप घंटी का बटन नहीं दबाएंगे तो सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं होगा, कोई तुक नहीं बनता। तो इस वजह से जल्दी जल्दी दोनों बटनों को दबा दें और लाइक भी कर दें वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फोन की मेन हाइलाइट्स ये हैं कि इसके अंदर आपको बैक की तरफ 64 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिलता है, मतलब कि 64 मेगापिक्सल का आपको एक रियर कैमरा मिलता है। और इसकी यहाँ हाइलाइट ये है कि इसके अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और ये एक बजट सीरीज का फोन है, मतलब कि आपको सब चीज़ें मिलती हैं, कोई फ्लैगशिप मतलब कि ग्रेड के कैमरा और ये और वो, मतलब कि परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है, कैमरा भी अच्छे मिलते हैं, लेकिन आपको कम प्राइस के अंदर ये फोन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ अगर इसकी प्राइस रेंज के बारे में थोड़ा डिस्कस करें, पहले कुछ स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं जो मेन स्पेसिफिकेशन है जो आपके लिए जानना जरूरी है। अगर हम बात करते हैं फ्रंट की तरफ, दोस्तों यहाँ फ्रंट की तरफ आपको 6.4 इंचज का एक सुपर एमोलेड के साथ डिस्प्ले मिलता है, जो कि 1080p प्लस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। और साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ यहाँ अंडर डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, ये जो डिस्प्ले है ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ आता है, तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ पंच होल वगैरह सिस्टम नहीं है, कोई पॉपअप वाला सिस्टम नहीं है, ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ ये फोन आता है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ इस फोन के अंदर आपको बैक की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, और बैक की तरफ एक आप 3D क्रिस्टल डिजाइन मिलता है, तो काफी अच्छा, मतलब कि बैक की तरफ जो शीशे वाला डिजाइन मिलता है क्रिस्टल वाला, और काफी कमाल का डिजाइन मिलता है, जैसे आपको रियलमी के ज्यादातर फोन में डायमंड लुक और इस तरह की चीजें देखने को मिलती रहती हैं, तो इसी तरह का आपको तकरीबन डिजाइन देखने को मिलता है। यहाँ दोस्तों जो बैक की तरफ क्वाड कैमरा है, इसके अंदर जो पहला कैमरा है वो तो है 64 मेगापिक्सल का f1.8 पर्च के साथ, दूसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रावाइड सेंसर, और यहाँ दोस्तों तीसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, और चौथा है यहाँ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। और यहाँ दोस्तों जो बैक कैमरा है ये 960fps को, मतलब कि सुपर स्लोमो को भी सपोर्ट करता है। यहाँ दोस्तों इसके अंदर बैक कैमरे के अंदर EIS का सपोर्ट, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, मतलब कि स्टेबलाइजेशन का जो इमेज वगैरह हेल्थी है, जो स्टेबलाइजेशन करनी होती है, जो जर्किंग होती है, जो अगर वीडियो बनाते हैं तो वो भी इसके अंदर आपको मोड देखने को मिलता है। यहाँ दोस्तों इस फोन के अंदर आपको क्वालकम की तरफ से 730G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ इसके अंदर आपको एंड्रीनो के 618 ग्राफिक्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर आपको 3 वेरियंट्स दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर 3 वेरियंट्स आपको मिलते हैं। पहला मिलता है 4/64 वाला, मतलब कि 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों यहाँ दूसरा आपको मिलता है 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, और तीसरा यहाँ दोस्तों मिलता है 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों यहाँ अगर बात करें एक्सपेक्टेड प्राइस की, तो इंडिया के अंदर ये लॉन्च किया गया, तो अगर उस हिसाब से प्राइस के कंपैरिजन किया जाए, ये डॉलर के अंदर जिस तरह लॉन्च किया गया, यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ जो पहला वेरियंट है, दूसरा वेरियंट है, मतलब कि 4/64 वाला और 6/128 वाला, वो पाकिस्तान के अंदर आने के फुल चांसेस हैं। और यहाँ दोस्तों जो पहला वेरियंट है वो तो आएगा ही आएगा। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ जो 4/64 वाला वेरियंट है उसकी प्राइस मैं आपको बता चलूँ कि वो 45,000 के करीब आने के चांसेस हैं, जो कि अभी तक सामने आ रहे हैं, जितने भी लीक्स एंड रनर्स सामने आ रहे हैं उस हिसाब से 45,000 के करीब वो लॉन्च होगा। कहा जा रहा है कि 42,999 या 43,999, मतलब कि 42, 43, 44, मतलब कि इस रेंज के अंदर वो लॉन्च होगा। तो यहाँ 40,000 से लेकर 45,000 के अंदर ये फ़ोन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा, अगर रियलमी से ओवर प्राइस नहीं करता है पिछली बार की तरह। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में, सिर्फ इतना ही था, मैंने आपको बताना था कि इसकी प्राइस रेंज क्या होने वाली है और ये बेसिकली फ़ोन कैसा होने वाला है, इसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं आ जाऊँगी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।